नमस्कार। आज हम रेनन कुलेसी फैमिली के पार्ट थर्ड पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम रेनन कुलेसी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पर चर्चा कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने वर्गीकृत स्थिति और वेस्टिट्यू कैरेक्टर्स पर चर्चा करी थी। रेनन कुलेसी पार्ट सेकंड में हमने इसके रेंज ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने इसके पुष्पक्रम, पुष्प, परिदल पुंज, बाह्यदल, दल पर चर्चा करी थी। आज हम रेनन कुलेसी पार्ट थर्ड में चर्चा करेंगे इसके पुष्पी लक्षणों की, जिसमें हम आज बात करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की, अर्थात इसके जनन भाग की, जिसमें हम इसके पुमंग और जायांग पर चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले हम एंड्रोशियम अर्थात पुमंग का वर्णन देखते हैं। पुंकेसर प्राय असंख्य होंगे रेनन कुलेसी फैमिली के मेंबर में, स्वतंत्र अर्थात फ्री होंगे और सर्पिल क्रम में विन्यसित होंगे अर्थात स्पाइरली अरेंज होंगे, और यह बहुत महत्वपूर्ण करेक्टर है, स्पाइरली अरेंज्ड स्टेमेंस का पाया जाना। ये प्रिमिटिव करेक्टर्स भी है, यूजली इंडेफिनेट, फ्री एंड स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस बहुत ज्यादा होंगे, उनकी संख्या कुछ में बहुत ज्यादा में निश्चित है, और वो कितनी पंक्तियों में विन्यसित है उसको हम देखने जा रहे हैं। उदाहरण सहित हम यहां इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्विलीजिया में, एक्विलीजिया में लगभग 50 पुंकेसर होते हैं और वो 10 अरीय कतारों में विन्यसित होते हैं अर्थात रेडियल रोज के अंदर विन्यसित होते हैं। इन एक्विलीजिया अबाउट 50 स्टेमेंस इन 10 रेडियल रोज। एक्विलीजिया के बाद हम देखने जा रहे हैं नाइजेला में, नाइजेला में इन नाइजेला अबाउट 32 स्टेमेंस विच आर रेजिड इन 8 रोज। नाइजेला में लगभग 32 पुंकेसर होते हैं और वो 8 कतारों में 8 रेडियल रोज के अंदर विन्यसित होते हैं। उसके बाद अगला उदाहरण हम देख रहे हैं हेलेबोरस का, हेलेबोरस के अंदर इन हेलेबोरस पेटल्स मॉडिफाइड इनटू हनी लीव्स। हेलेबोरस के अंदर जो पेटल्स हैं वो मकरंद पर्ण के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। हेलेबोरस में कुछ पुंकेसर मकरंद पर्ण में रूपांतरित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल आप देख रहे हैं डेल्फिनियम में, जो इस फैमिली का एक ऑर्नामेंटल और महत्वपूर्ण प्लांट है, उसमें इन डेल्फिनियम 15 स्टेमेंस इन 5 रेडियल रोज ऑफ 3 ईच। बहुत सुंदर इसका पुष्प चित्र भी हमें नजर आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि 15 पुंकेसर पाए जाएंगे डेल्फिनियम के अंदर, और वो जो 15 पुंकेसर हैं वो 5 अरीय पंक्तियों में विन्यसित होंगे अरेंज्ड इन 5 रेडियल रोज, और प्रत्येक पंक्ति के अंदर 3 पुंकेसर होंगे। इस तरह से 3 पंक्तियों में जमे हुए हैं, 5 पंक्तियों में होंगे, प्रत्येक में 3 होंगे, कुल मिला के ये 15 पुंकेसर होंगे डेल्फिनियम के अंदर। तो डेल्फिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमने जो 3 उदाहरण देखे हैं, एक्विलीजिया का, नाइजेला का, डेल्फिनियम का, इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टेमेंस ज्यादा है, बहुत अधिक है। अब किस प्रकार के इनके पराकोष होंगे, पराकोष जो होंगे एंथरस्लोप एडनेट अर्थात संलग्न होंगे, द्विकोष्ठी डाइथिकस हैं, एक्सट्रोड्स अर्थात बहिर्मुखी हैं, और लंबवत रूप से स्फुटित होते हैं और बेसी फिक्स्ड होंगे आधार लग्न। तो ये हमने देखा इसके एंड्रोशियम में पुमंग के अंदर। रेनन कुलस में असंख्य पुंकेसर हैं, फ्री हैं। एक्विलीजिया के अंदर पुंकेसरों की संख्या 50, हेलेबोरस में उसमें रूपांतरित हो गए हनीली उसके अंदर, नाइजेला में 32 पुंकेसर,
और डेल्फिनियम में 15 पुंग के साथ, अर्थात इनकी जो संख्या है वो अधिक है और ये एक प्रिमिटिव, महत्वपूर्ण प्रिमिटिव करेक्टर बनाएंगे। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं जायांग अर्थात गाइनिशियम, ये प्राय बहुअंडपी होंगे परंतु अपवाद है डेल्फिनियम में, उसकी हम बात करेंगे। यूजली मल्टीकार्पलरी, रेनानकुलेसी फैमिली के जो मेंबर हैं वो बहुअंडपी होते हैं, बट इन डेल्फिनियम, डेल्फिनियम में ये है मोनोकार्पिलरी अर्थात एक अंडपी, ये एक एडवांस करेक्टर भी है, अंडपों की संख्या कम होना वो डेल्फिनियम में दिखाई देगा। इस फैमिली में किस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे रही है, वियुक्तांडपी अर्थात एपोकार्पस, एपोकार्पस पृथकांड भी अंडप इनके अंदर होंगे, परंतु यहां पर भी एक अपवाद है, बट सिनकार्पस इन नाइजेला, नाइजेला में जायांग 4 से 5 अंडपी होंगे अर्थात टेट्रा टू पेंटाकार्पलरी, और संयुक्त अंडपी होंगे सिनकार्पस होते हैं, तो नाइजेला यहां पर अपवाद है जहां सिनकार्पस कंडीशन है। बाकी ये एपोकार्पस फैमिली है, प्रिमिटिव करेक्टर है एपोकार्पस, परंतु नाइजेला अपवाद है जिसमें युक्तांडपी होंगे। और जैसे हमने देखा स्पाइरली अरेंज स्टेमेंस, उसी प्रकार से गाइनोशियम में हम देख रहे हैं कार्पस स्पाइरली अरेंज, जो अंडप हैं वो सर्पिल रूप से विन्यसित हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर है। इस स्पाइरली अरेंज कार्पस, अंडपों का सर्पिल रूप से विन्यसित होना जो हमें दिखाई देगा जब हम फ्लोरल डायग्राम यहां पर देखेंगे। अंडाशय ओवरी है सुपीरियर अर्थात ऊर्ध्ववर्ती, फ्लावर को हमने लिखा था हाइपोगाइनस, तो ओवरी यहां पर पाई जाएगी सुपीरियर अर्थात ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। अब जो महत्वपूर्ण बात हम देखने जा रहे हैं बीजांड न्यास की, कि किस प्रकार का बीजांड न्यास फैमिली रेनानकुलेसी के मेंबर में पाया जाएगा, यहां पर बहुत बड़ा विवाद है, यहां पर बहुत बड़ी विविधता देखने को मिल रही है हमें, कि अलग अलग जेनेरा के अंदर अलग अलग प्रकार का बीजांड न्यास पाया जाता है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि डिस्कस द डाइवर्सिटी ऑफ प्लेसेंटेशन इन रेनानकुलेसी, रेनानकुलेसी की बीजांड न्यास में पाई जाने वाली विविधता को समझाइए। तो यहां हम 2-3 उदाहरण देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं नाइजेला, जिसमें हमने लिखा युक्तांडपी है, 4-5 अंडप है और युक्तांडपी है, उसके अंदर कैसा बीजांड न्यास होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्रेजेंटेशन होगा अर्थात अक्षीय बीजांड न्यास, स्तंभी बीजांड न्यास पाया जाएगा नाइजेला के अंदर। डेल्फिनियम में किस प्रकार का बीजांड न्यास होगा, डेल्फिनियम में बीजांड न्यास होगा सीमांत बीजांड न्यास, मार्जिनल प्रेजेंटेशन इन डेल्फिनियम, डेल्फिनियम के अंदर सीमांत बीजांड न्यास पाया जाएगा, यह सीमांत बीजांड न्यास डेल्फिनियम में भी होगा और हेलेबोरस में भी होगा, दोनों में मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। और रेनानकुलस जो इस फैमिली का टाइटल वंश है, एक महत्वपूर्ण प्लांट है जिसकी बहुत सी जातियां हैं, रेनानकुलस स्क्लेरेटस, रेनानकुलस म्यूरिकेटस, उसमें किस प्रकार का बीजांड न्यास होगा, उसमें बीजांड न्यास होगा बेसल आधारीय, बेसल प्रेजेंटेशन इन रेनानकुलस स्पीशीज, रेनानकुलस की प्रजातियों के अंदर आधारीय बीजांड न्यास होगा अर्थात बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा इनके अंदर। और थेलिक्ट्रम में निलंबी बीजांड न्यास पाया जाता है अर्थात पेंडुलस प्रेजेंटेशन इन थेलिक्ट्रम दिखाई देगा। तो ये हम यहां देख रहे हैं कि बीजांड न्यास के अंदर विविधता देखने को मिल रही है, अक्षीय बीजांड न्यास भी है, सीमांत बीजांड न्यास भी है, आधारी बीजांड न्यास भी है, निलंबी बीजांड न्यास भी है, रेनानकुलेसी के अलग अलग वंशों के अंदर जो हमें ध्यान रखना है। और खासतौर से हम महत्वपूर्ण 2 का पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र प्रदर्शित करते हैं, रेनानकुलस का डेल्फिनियम का, इनमें हमें ध्यान रखना है, रेनानकुलस में आधारी बीजांड न्यास और डेल्फिनियम में सीमांत बीजांड न्यास शो करेंगे। स्टाइल अर्थात वर्तिका रेनानकुलस में होगी हुक के समान, और क्लीमेटिस तथा नार्वेलिया में लंबी व पिच की होती है, प्लूमोस प्रकार की होगी, क्लीमेटिस व नार्वेलिया में वर्तिका लंबी और पिच की होगी, पिच की मतलब प्लूमोस प्रकार की होगी। ये हमने बात करी इनके गाइनोशियम की, रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोशियम और गाइनोशियम होने और जो परीक्षा में पूछा जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ रेनानकुलेसी। अब फ्लोरल करेक्टर्स में हम आगे देखते हैं फल बीज प्रकीर्णन, इनको
सबसे पहले देख रहे हैं फल एवं बीज। फल प्रायः सरल शुष्क संपुटिकावत होंगे, फोलिकल होंगे जैसे डेल्फिनियम में, या फोलिकलों का पुंज फल होगा जैसे रेनानकुलस में, एनीमोन में और क्लीमेटिस में, या पट विदारक संपुटिका अर्थात स्पेडिसाइडल कैप्सूल होगा जैसे नाइजेला के अंदर। बीज में जो भ्रूणपोष है वो प्रचुर मात्रा में होगा और भ्रूण छोटा होता है, सीड एंडोस्पर्मिक एंड स्मॉल। तो हमने देखा फ्रूट्स यूजली सिंपल फोलिकल एंड डेल्फिनियम, इटेरियो फोलिकल इन रेनानकुलस, एनीमोन एंड क्लीमेटिस, और स्पेटिसाइडल कैप्सूल इन नाइजेला। इस प्रकार के फल और बीज दिखाई देंगे रेनानकुलेसी फैमिली के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं परागण और प्रकीर्णन की बात करते हैं। सामान्यतः तो कीट परागण होगा, यूजली एंटोमोफिलस। रेनानकुलेसी कुल के सदस्यों में प्राय कीट परागण की प्रक्रिया पाई जाती है, एंटोमोफिली, क्योंकि इनमें आकर्षक और भड़कीले दलपत्र, दलाप, भाईदल एवं रंगीन पुतंतु फिलामेंट्स कीटों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। कीट पुष्पों में मकरंद या परागकण एकत्र करने आते हैं, परंतु थिलिप्ट्रम माइनस में एनिमोफिली पाई जाती है अर्थात वायु परागण पाया जाता है। जो अधिकांश सदस्य हैं रेनानकुलेसी के कुछ सदस्यों में जैसे एनिमोन और क्लीमेटिस में फल एकीन होगा, एमापाती होगा, तथा इनकी जो पिच्छिकी वर्तिका वाले स्टाइल होंगे अर्थात प्लूमोज स्टाइल होंगे, अतः इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होगा इनमें। जबकि हेलेबोरस में जो प्रकीर्णन है वो चींटियों तथा घोंघों अर्थात स्नेल्स के द्वारा होता है। तो ये हमने बात करी इसके प्रकीर्णन। अब हम इसके एक महत्वपूर्ण जेनेरा की प्लांट मॉर्फोलॉजी देखने जा रहे हैं, और वो इसका एक ऑर्नामेंटल प्लांट है डेल्फिनियम अजासिस, जिसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है लार्क स्पर। इसके पीछे शब्द आ रहा स्पर अर्थात दलपुट, या जिसको हिंदी में कहते हैं शुंडिका, वो दिखाई दे रही है, और उसी वजह से ये फ्लावर सुंदर होगा, आकर्षक दिखाई देगा। इसके प्लांट को हम देखें, प्लांट हैबिट को, इसकी जो पत्तियां हमें दिखाई दे रही है कटिफाइड डिसेक्टेड। इसका जो पुष्पक्रम हमें दिखाई दे रहा है वो है असीमाक्षी असीमाक्ष, रेसिमोस रेसिम, और जो एलएस फ्लावर हमें दिखाई दे रहा है इसका पुष्पक्रम का काट, उसमें हमें दिखाई दे रही है एक लंबी शुंडिका दलपुट अर्थात स्पर नजर आ रहा है। उस स्पर का निर्माण कैसे हुआ ये देखना है, तो हम देखते हैं इसके पुष्प चित्र को, उसमें हमें दिखाई दे रही है ऊपर ऊपर मातृक्ष के बिल्कुल नीचे पश्चिम नजर आ रहा है दलपुट अर्थात शुंडिका बनी हुई। इसके बाद हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम देखते हैं इस फैमिली के दो महत्वपूर्ण वंशों, रेनानकुलस और दूसरा डेल्फिनियम। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है रेनानकुलस स्क्लेरेटस, इसका पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। इसका पुष्प सूत्र में हम देखते हैं सहपत्र सहपत्रिकाएं हैं, त्रिज्या सम्मित है, जबकि अभी अगला जो हम देखेंगे डेल्फिनियम वो एकव्यास सम्मित होगा। ये नियमित और एकव्यास सम्मित है, द्विलिंगी है, दलों और बाह्यदल में विन्नित है परिदल, और उनकी संख्या पांच पांच है, वो खुले हुए हैं, पृथक है। पुंकेसरों की संख्या आप देख रहे हैं असंख्य दिखाई दे रहे हैं हमें, मेनिस्टेमेंस असंख्य पुंकेसर हैं, और वो स्पाइरली अरेंज्ड हैं अर्थात सर्पिलाकार जमे हुए हैं, स्पाइरली अरेंज स्टेमेंस है, ये प्रिमिटिव करेक्टर्स और मुक्त हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं गायनोशियम में अंडपों की संख्या भी अनंत है, असंख्य है, वो भी मुक्त है, एपोकार्पस है, और वो भी स्पाइरली अरेंज्ड हैं। रेनानकुलस के अंदर में दिखाई दे रही कंडीशन, तो ये देखा हमने रेनानकुलस स्क्लेरेटस या म्यूरिकेटस, उसका पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र जो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं अगला फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम डेल्फिनियम अजासिस का, इसका सामान्य नाम है लार्क स्पर। इसके पुष्प सूत्र में हम देख रहे हैं सहपत्र सहपत्रिकाएं हैं, ये एकव्यास सम्मित है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो गलत है, एकव्यास सम्मित अपने को शो करना है, द्विलिंगी है, बाह्य दल की संख्या पांच है, दलों की संख्या चार है, पुंकेसरों की संख्या पंद्रह है, जो पांच
पंक्तियों में है, प्रत्येक में तीन पुंके सर है और गायन शम में लिख रहे हैं एक अंडपी है। ये कंडीशन हमें यहां पर दिखाई दे रही है। और जो स्पर का निर्माण हुआ है उसमें एक भाईदल और दो दल, एक पश्चिम भाईदल और दो पश्चिम दल ने मिलकर इस दलपुट शुंडी का स्पर का निर्माण किया है, जो हम इस यहां पर चित्र में देख रहे हैं। तो आज हमने इस पार्ट थर्ड के अंदर बात करी इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, फल बीज प्रकीर्णन की, इसकी प्लांट मॉर्फोलॉजी भी देखी एक टिपिकल जेनेरा की, और फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम हमने देखा रेनन्कुलस स्क्लेरेटस का, डेल्फिनियम अजासिस का। इसके अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इसकी बंधुता की, इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की इत्यादि की। धन्यवाद।